गुना शहर के नगर पालिका क्षेत्र में पीएम आवास स्वीकृत कराए जाने को लेकर ली जा रही रिश्वत के मामले में भाजपा पार्षद ममता तोमर ने प्रशासन से शिकायत की है, जिसमें ममता तोमर ने अपर कलेक्टर आदित्य सिंह और कलेक्टर को शिकायत करते हुए कहा कि गुना शहर के वार्डो में दलाल घूम रहे हैं जो लोगों से पैसे लेकर पीएम आवास की राशि डलवाने के नाम पर रुपये ऐंठ रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 25 से पार्षद हूँ ममता तोमर। क्या शिकायत लेकर आई हैं? मैं जो शिकायत लेकर आई कि मुझे जानकारी लगती है जो दलाल होते हैं ना, जो टूटी चल रही है पीएम आवास योजना, तो उसमें दलाल जाते तो बेचारे बाकी में वास्तव में जो गरीब लोग हैं उनसे जाके लाओ हम तुम्हारी कुटी डलवा रहे हैं, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, तो चुपचाप से जाके ले आते। ऐसे लगभग 4-5 दलाल घूम रहे हैं तो इन्हें रोका जाए और वार्ड पार्षद की अनुमति से सील सिक्का लग के अनुमति से होना चाहिए और इसका सुधार होना चाहिए कि जो वार्ड पार्षद सील लगा के लिख के दे तभी यहाँ से कुटी डली जाए। अभी कोई शिकायत आई है क्या, ऐसे कुछ दलालों ने पैसे लिए हैं क्या? ले रहे हैं। अभी जो 4 तारीख में लगभग पीएम आवास योजना का पैसा डलाना, तो बहुत से दलाल घूम रहे हैं कि लाओ हमें देव पैसा हम करवा रहे हैं, और वास्तव में पैसा डलने के बाद में पहुंच जाते और धीरे से जाके पैसा ले आते दलाल। कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, कुछ जानकारी? हो सकता है कुछ नगर पालिका के कुछ जो कुछ नेता होते हैं उनके भी परिवार रिश्ते में रहते हैं वो लोग। तो आपने शिकायत किससे की है? अभी मैं अपर कलेक्टर साहब को भी आई आवेदन दे और कलेक्टर साहब को भी देने आई हूँ।